नमस्कार, मैं हूँ मोनिका राठौर और आप देख रहे हो वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने और ट्यूशन फीस लेने के मुद्दे पर सरकार और प्राइवेट स्कूल संचालक आमने सामने आ गए, जहां आपको बता दी कि दरअसल स्कूल संचालक पूरी फीस लेना चाहते हैं, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल नहीं खोलने पर एफ से ट्यूशन फीस लेने का ऐलान किया, जिसपे गुरुवार को इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया। इस आदेश के खिलाफ स्कूल संचालकों कोर्ट जाने का मन बना रहे, इसके लिए शुक्रवार शाम 6:30 बजे किले देव क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक होगी। प्राइवेट स्कूलों की संस्था एसोसिएशन ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों का कहा है कि सरकार अपने बनाए नियमों को ताक पर रखकर एक पक्षीय आदेश निकाल रही है। जी हां, इसलिए अब अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर रहे हैं। 12 जुलाई से स्कूल संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इससे ऑनलाइन पढ़ाई पर फर्स्ट टर्म के एग्जाम भी नहीं हो सकेगी। एसोसिएशन ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल मध्य प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट वीडियो राज मोदी ने कहा है कि सरकार लगातार आदेशों तो जारी करती है पर कई बिंदुओं को साफ नहीं किया। इससे पहले 30 जून को सरकार ने आदेश निकाला था कि 10% तक ही फीस बढ़ा सकते हैं। अब ट्यूशन फीस ही लेने की बात कह रही एक पक्षीय आदेश ठीक नहीं है। इसलिए शुक्रवार को शाम को वकीलों के साथ एसोसिएशन के पदाधिकारी की बैठक कर रहे हैं, इसमें कोर्ट जाने की रणनीति बनाई है। ऐसे तमाम जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।